song there, Satyamev Jayate. And just in a few moments from now, the daredevils of the Corps of Signals motorcycle team will perform gravity-defying stunts. Leading the team is Captain Manpreet Singh on a 12.5-foot ladder. दांतों तले उंगली दबाने वाला प्रदर्शन कैप्टन मेजर मनजीत सिंह माननीय राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करके आगे बढ़ते हुए और ये है कोर ऑफ सिग्नल्स का प्रतीक जिमी लांस नायक गजानन मिसाई कोर ऑफ सिग्नल्स की तीव्र विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए And this is yoga on the go. Perfect balance of mind and body on the bike. Tar Asan by Lance Naik Swapnil. Havildar Gamit Paresh performs Dhanurasan and Havildar Sangram K. Srijena performs Surya Namaskar. And now a PT display on the bike. Led by signalman Sunshine Pawar Mangu and four daredevils. और अब सिग्नल कलर के साथ आगे बढ़ते हुए सिग्नल फाइटर टीम में मुख्य मोटरसाइकिल पर हवलदार इस्वा रावती साथ में हवलदार एसके सिंह और हवलदार संदीप कुमार अन्य 14 डेयर डेविल्स के साथ And following behind, Havildar Santosh Pawar and Havildar Pramod Patil with 14 daredevils are speeding down Rajpath with the formation Mercury P. ये बच्चों का खेल नहीं और ये बड़ों का भी खेल नहीं लेकिन ये सिर्फ जवानों के बाएं हाथ का खेल है ये फिल्म की शूटिंग नहीं कोई नहीं देखने हमारी जिंदगी के सलामी मंच के सामने अब पहुंचते हुए कैप्टन दिशांत कटारिया मुख्य अतिथि का अभिवादन कोर ऑफ सिग्नल्स की दूर संचार प्रणाली का प्रदर्शन The pride of the Corps of Signals, the swift and secure communication is now being presented by Havildar Sujit Mondal on the handlebar and Naik Chopade on the ladder showing seamless communication. Video conference on wheels, saanse tham lene wala pradarshan, Havildar Simran GVM aur Naik Jay Kumar josh aur utsah ke saath aage badhte hue. Coming up right behind are the information warriors Havildar Anil Kumar along with 9 daredevils. Precision and total control. जिस मुल्क की सरहद ही निगे बाहियां के बहुत ही खूबसूरती से एंड
और अब तीव्र चौकस कमांडो पूरी तरीके से मुस्तैद, चौकस कमांडो तीव्र चौकस कमांडो फॉर्मेशन, हवलदार रमेश और हवलदार ए रमन्ना अपने डेयर डेविल्स के साथ। दुश्मन घेरा तो वो चमना चूर कर देने का जज्बा बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए हवलदार रमेश और हवलदार एक्सक्लूसिव लोटस फॉर्मेशन प्रदर्शित करते हैं लेड बाय कंपनी हवलदार मेजर प्रताप सिंह। परफेक्ट बैलेंस इज द नेम ऑफ द गेम। इसके ठीक पीछे कैप्टन शिखा सुरभि मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर खड़े होकर ताकत, फुर्ती और साहस के साथ संतुलन का समावेश। कैप्टन शिखा सुरभि, हम तो दरिया में हमें अपना हुनर मालूम है। पुशिंग द लिमिट्स ऑफ मशीन एंड ह्यूमन इंड्योरेंस आर 33 डेयर डेविल्स ऑन 9 मोटरसाइकिल्स मेकिंग अ ह्यूमन पिरामिड। सुबेदार मेजर रमेश ए लीड्स द फॉर्मेशन। लगातार अभ्यास, धैर्य, संतुलन, साहस, जीवट और तीव्र बुद्धि का सामंजस्य है ये मोटरसाइकिल सवार। बिजली की मदन बदल रहे ये राष्ट्र पता का स्वाभिमान ये जताते हैं कि जब जब बात भारत माता की आती है इसकी सवा तो करो। द डेयर डेविल्स ब्रेथ टेकिंग फॉर्मेशंस, परफेक्ट बैलेंस, टोटली फोकस्ड, सीमिंगली एफर्टलेस। बहुत जोश और उत्साह, ये तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठे। अपने स्थानों पर लोग खड़े होकर इन हैरत अंगेज कारनामों को देख रहे थे। अभी ये हैरत अंगेज कर्तव्य जमीन पर थे, अब निगाहें आकाश की ओर हुई। आज के समारोह का एक बड़ा आकर्षण फ्लाई पास्ट, अलग अलग दिशाओं से यहाँ हवाई जहाज आएंगे और इस समारोह में संचार को नियंत्रित करने वाली 1A फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का ये कंट्रोल रूम, इसकी कमान संभालिए कर्नल PP विश्वास ने। ये रेजिमेंट वायुसेना के साथ इस समारोह में फ्लाई पास कंट्रोल के लिए कम्युनिकेशन उपलब्ध करा रही है और ये दृश्य ITO से परेड राजपथ से अपने गंतव्य की ओर ITO से गुजरती हुई। What a wonderful spectacle it's been today. Absolutely. And after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking flypast. Aur victory aakriti ke saath route formation mein 3 advanced light helicopters aakash mein. ALH MK4 WSI बड़ा ही गतिशील हेलीकॉप्टर है, 180 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए राजपथ के ऊपर से गुजर रहे हैं।